guys, welcome to my channel. So I'm Tanu, and if you're new to my channel, then I'm Tanu and I make videos about fashion, fitness and lifestyle contents. So yeah, today I'll show you some dumbbell leg workouts. 5 workouts मैं दिखाने वाली हूँ जिसके दौरान आपके legs में जो excess fats है वो घट जाएंगे and आपके legs इस तरह बहुत beautiful and toned दिखेंगे. So अगर आप सच में एक जबरदस्त रिजल्ट देखना चाहते हो ना, तो प्लीज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है एंड स्पेशली वेट ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो मैं हमेशा वेट ट्रेनिंग पर बहुत ज्यादा फोकस करती हूँ एंड आई लव टू ट्रेन विद वेट्स. सो या तो आज मैं आप लोगों को 5 वर्कआउट्स दिखाने वाली हूँ एंड ये बहुत बेसिक डंबल लेग वर्कआउट्स है. कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सिर्फ यू नीड अ पेयर ऑफ डंबल्स, मीन 2 डंबल्स. तो आपके पास जो भी है 5 kg, 10 kg, 7.5 kg, एनीथिंग. एंड एट द एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज गिव इट अ लाइक, ऑल्सो शेयर एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज, इट मोटिवेट्स मी अ लॉट. आज की जो वर्कआउट है उसमें हम 45 सेकेंड्स तक वर्कआउट करेंगे एंड रेस्ट करेंगे 15 सेकेंड्स. आपको हर एक वर्कआउट के 4 सेट्स आप 45 सेकेंड्स तक जितना कर सको उतना करो एंड या दैट्स ऑल. तो बिना देरी किए अब शुरू करते हैं. तो हमारी पहली वर्कआउट है स्क्वाट्स. स्क्वाट्स एक बहुत ही आसान वर्कआउट है. फिट रहने के साथ पूरे शरीर को सुडौल बनाने के लिए आप नियमित रूप से स्क्वाट्स कर सकते हैं. इससे आपके पूरे शरीर का व्यायाम होता है. तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कैसे करते हैं हाई स्क्वाट्स. सबसे पहले अपनी क्षमता के मुताबिक डंबल को लेकर वेट को होल्ड करें और फिर उसे अपने चिन के पास दोनों हाथों से होल्ड करके पकड़े. पैरों को थोड़ी दूर पकड़े और घुटनों को मोड़ते हुए एक्सरसाइज पोजीशन में आए, स्क्वाट्स पोजीशन में आए. ध्यान रखें इस दौरान आपकी एल्बोज और घुटने ज़्यादा मूव ना करें. तो हमारी सेकेंड वर्कआउट है लंजेस, डंबल लंजेस. तो लंजेस फैट लॉस में भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होती है. वेट के साथ लंजेस एक्सरसाइज करने से फैट जल्दी कम होता है, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपकी बड़ी मसल्स को टारगेट करती है जिसका असर एक्सरसाइज करने के बाद तक रहता है. यानी कि आप जिम में जो कैलोरीज बर्न करते हो उसके बाद जब आप घर पर आराम करते हो तब आपकी बॉडी मसल्स को रिपेयर करने के लिए कैलोरीज बर्न करती है, जिससे आपका रेस्टिंग जोन में भी फैट बर्न होता रहता है. तो इस वर्कआउट को करने के लिए आपको अपने हाथों को आगे की तरफ नहीं झुकाना है, आपके अपने हाथों को अपने रिब केज की तरफ ही रखना है और आपकी चेस्ट अप होनी चाहिए. आपकी आगे की तरफ वाला पैर सही तरीके से बेंट होना चाहिए, जो कि 90 डिग्री एंगल बनाए. इसके बाद आपका पीछे वाला पैर एक लॉन्ग स्ट्रेच करके पीछे की तरफ रखकर मोड़ना है. आपको अपनी बैक को भी एकदम सीधा रखना है. ये एक्सरसाइज आपके शरीर के लोअर बॉडी में काम करती है और ये एक बहुत ही बेहतरीन फुल बॉडी वर्कआउट के लिए भी माना जाता है. इस एक्सरसाइज को करने से आपकी पैरों की जो मांसपेशियां है वो मजबूत होती है. अपनी कोर की ताकत बढ़ाने के लिए और अपने शरीर में लचीलापन बढ़ाने के लिए लंज एक्सरसाइज बहुत ही लाभदायक होती है. तो हमारी नेक्स्ट वर्कआउट है सुमो स्क्वाट. तो स्क्वाट एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसकी मदद से आप अपनी
क्वाड, हैमस्ट्रिंग और कफ मसल्स को ट्रेन कर सकते हो एंड इसकी मदद से आप आसानी से अपनी लोअर बैक को भी ट्रेन कर सकते हो। तो चलिए अब हम जानते हैं कि सुमो स्क्वाट्स परफॉर्म कैसे करना है। इसे करने के लिए आपको अपने पैरों को कंधे से अधिक चौड़ा करना होता है, जिससे नीचे बैठते समय लोड आपकी इनर थाइस पर पड़ जाए। सुमो स्क्वाट्स को डंबल या फिर बारबेल आप दोनों से ही कर सकते हो। इसे करने के लिए आपको डंबल को चीन के नीचे या फिर चीन की ओर पकड़ना होता है और फिर जितना हो सके आप उतना नीचे तक जाने की कोशिश कीजिए। ध्यान रहे कि इसमें इनर थाइस आपका मेन मसल्स रहेगा। तो हमारी आज की लास्ट वर्कआउट है रोमानियन डेडलिफ्ट्स। मसल्स बनाने के लिए और कमर को सही शेप में लाने के लिए इस एक्सरसाइज को बेस्ट एक्सरसाइज माना जाता है। तो रोमानियन डेडलिफ्ट को हम स्टिफ लेग डेडलिफ्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें अधिकतर लोड आपके हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स पर आता है। बाकी प्राइमरी मसल्स तो बैक है जो हर डेडलिफ्ट में इन्वॉल्व होगा। इसे करते समय आपको अपने घुटने नहीं मोड़ना है और झुकते समय लोअर बैक से ही हेल्प लेना है। साथ ही साथ आपको अपनी ग्रिप पर भी ध्यान देना है। So guys, that's all for today. I hope ki ye video aapko useful laga hai. And if it is, then please like, share and subscribe to my channel guys. And leave comments if you have anything to ask me and any recommendations, any suggestions or any queries. Feel free to comment and keep coming back to my channel. I'll see you in my next video. Till then, take care.